सुधीर अजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं किस तरीके का वो निर्वाचित होकर आए हैं और किस तरीके का प्यार मिला है, किस तरीके का उनको उनके पास मतलब की एजेंडा है विकास का और किस तरीके से वो आगे लेके चलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके का आपका जनता का प्यार रहा है, किस तरीके से मतलब कि आप मतलब कि देखते हैं और किस तरीके का आपका एजेंडा है विकास को करने के लिए और ऐसी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं जो आप करने के लिए हुआ? जैसे कि आपने विकास के बारे में बात की है तो विकास हमारे पहली प्राथमिकता में है और जो भी जनता के सहयोग से और उनकी जो प्राथमिकता में जो भी विकास होगा वो प्राथमिकता में ही किया जाएगा। अच्छा प्रधान जी, सफाई और सफाई व्यवस्था को लेके और मतलब की स्वास्थ्य को लेके आपका क्या अगला हुआ है? सफाई व्यवस्था को लेकर हम सरकार के नियमों के अनुसार कोविड के नियमों के अनुसार गांव में सफाई करा रहे हैं, सैनिटाइज करा रहे हैं, फॉगिंग कराएंगे और जो भी पीएचसी या सीएचसी से जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे डॉक्टर से उनके अनुसार गांव में काम कराया जाएगा। अच्छा हम मतलब जो मनाली गांव है इसके अंदर कोई भी स्वास्थ्य केंद्र अभी तक मौजूद नहीं है, आपका क्या प्रयास रहेगा कि आप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे लेके आए? देखिए हमारे नजदीक के गांव में पीएचसी है और ये हर गांव में संभव नहीं है क्योंकि हमारा अपना प्रदेश है, काफी गांव है, 58,000 गांव है ग्राम पंचायत है, तो उसमें सभी में स्वास्थ्य केंद्र संभव नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार के साथ मतलब हर 4-5 गांव का एक पीएचसी है। अच्छा जिस तरीके का मतलब कि आप लोगों को जनता ने चुन के भेजा है और जनता ने आपके विश्वास दिखाया है, किस तरह की मतलब आपका रहेगा सभी लोगों को साथ लेके चलना और सभी लोगों का विकास करने के लिए आप लोग किस तरीके से? हमारा नारा भी यही रहा है सबका साथ सबका विकास और सबका साथ लेकर चलेंगे, सभी के सहयोग से काम किए जाएंगे, सभी के सलाह में काम किए जाएंगे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, आइए हम बात करते हैं कि किस तरीके से वो इस जीत को देखते हैं, किस तरीके मतलब कि क्या अपेक्षाएं रखते हैं प्रधान जी से कि वो चीजें होनी चाहिए। जी आपका नाम? जी आप मतलब किस तरीके से इस जीत को देखते हैं और किस तरीके से मतलब कि प्रधान जी से अपेक्षाएं रखते हैं कि उन्हें ये करना चाहिए? भाई इनके कार्य कर्मों से हम सब संतुष्ट हैं और अधिक कारण कोई बात नहीं। तो आपका किस तरीके का आशीर्वाद रहेगा और किस तरीके का मार्गदर्शन रहेगा? हमारा कोई काम गलत होगा तो हमारा आशीर्वाद रहेगा, हम रोकेंगे कोई बात नहीं, हमारी माननी होगी। जी हमारे साथ इसी कड़ी में मौजूद है आपका नाम राजवीर सिंह जी, किस तरीके से तो आप ये जीत देखते हैं और किस तरीके से मतलब कि आप चाहते हैं कि प्रधान जी काम करें और हमारा जो मतलब कि गांव है मतलब कि उनाली गांव है और किस तरीके से मतलब कि बुलंदिया छोड़े प्रदेश में और देश में किस तरीके से नंबर बनाए? ये हमारा गांव सर्व समाज के हिसाब से हमने लेके चले थे तो हमें सर्व समाज का वोट मिला, सर्व समाज का साथ मिला, ऐसा कोई समाज गाँव का नहीं है जिसे हमें प्यार नहीं मिला और जैसा प्यार हमें मिला है उसी हिसाब से हम सदर समाज को साथ में लेकर और उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सबका काम प्राथमिकता से गरीब को ले सकते। इसी साथ मौजूद है मतलब कि आईएम से भी बात करते हैं कि किस तरीके से मतलब कि वो देखते हैं, किस तरीके से जीत देखते हैं, क्या अपेक्षाएं प्रधान जी से रखते हैं कि वो निरंतर प्रगति करते रहे और मतलब कि अपने जो गरीब है और सभी समाज को साथ लेके चल किस तरह से? जी आपका नाम? किस तरीके से देखते हैं आप जी और किस तरीके से मतलब कि आपका वो है? सबसे पहले तो मेरा शुभ आशीर्वाद प्रधान जी के नव निर्वाचित होने पे और ये बहुत ही जुझारू और कर्मठ प्रधान है, हमारे गांव में पहली योजना में ये प्रधान रह चुके हैं। मेरी इनसे एक यही आदेश भी रहेगा, मैं इनका गुरु भी हूँ, मेरा आदेश भी रहेगा कि सबको साथ लेके सबका विकास गरीब का हित सोचना है, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है समझ करो, किसी का राशन कार्ड बनना है या पेंशन बननी है, किसी का दुकान बनना है, उसमें लगनशील व्यक्तित्व उनका है भी उसी कड़ी में ये उस काम को निभाएं और कर्मठता दिखाएं, सरकारी योजनाएं जितनी भी गांव विकास के लिए आती हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और गाँव का विकास और उद्धार करें। अच्छा ऐसा हर बार प्रधान चुन के आते हैं, हर बार मतलब की विकास की बात होती है, पिछली बार भी प्रधान चुन के आए होंगे, इस बार भी, तो इस बार
आपकी क्या अपेक्षाएं इनसे रह जाती है, क्योंकि आपने बताया कि आप इनके गुरु भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मतलब आशीर्वाद देके रखना पड़ेगा, ज्यादा समझाना पड़ेगा कि इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हमारा जो गांव है वो तो प्रदेश में और मतलब देश में नंबर। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और ज्यादा जरूरी है कि और ज्यादा काम हो, गाँव में विकास हो, इंटर कॉलेज की स्थापना की जाए, सरकारी योजनाएं इतनी भी आनी चाहिए। ये हाथ में होता है प्रधान जी, इतनी ज्यादा भागदौड़ कर सकता है। ये प्रधान लगनशील भी है और काम करने वाला है, इससे चलिए ठीक है। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण मौजूदा से बात कर दिया। अमरीश कुमार जी, किस तरीके से आप देखते हैं जी को, किस तरीके से मतलब कि आप अपेक्षाएं रखते हैं प्रधान जी से कि ये कार्य होने चाहिए जो पहले नहीं हो पाए, जो अब होने चाहिए? मेरा जीवन देखने का नजरिया ये है कि प्रधान जी को दो गाँव के जनता ने चुना है और पहले भी चुना था 2010 में और अब एक बार भी प्रधान बनाने का काम किया, और जो प्रधान जी अपनी जनता को अपना प्यार करते हैं इसलिए उन्होंने चुनने का काम किया, और हमारी अपेक्षा है कि प्रधान जी और अच्छे काम करेंगे कि आने वाले समय में भी और अच्छा कुछ करने का। तो आपने देखा किस तरीके से मनाली गाँव के पूरे समाज और मतलब प्रधान जी विकास के लिए जुट चुके हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी जो कार्य से मतलब कि सभी लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं, सभी सर्व समाज को साथ लेके चल रहे हैं, और किसी को भी कोई भी परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, वो आगे इनसे बात कर सकता है, वो इनके लिए हमेशा खड़े हैं 24 घंटे। कैमरामैन शिव के साथ मैं राजेश धीमान, दैनिक जनमत की।